विश्व में तहलका मचाने वाले कोरोना वायरस की रोकथाम करने के लिए नागरिकों का जागृत रहना बहुत जरूरी है। इस संबंध में भंडारा जिले के आदर्श युवा मंच अध्यक्ष पवन भाव मस्के इन्होंने दवड़ीपार गांव में जन जागृति कर सैनिटाइजर एवं मास्क वितरण का कार्यक्रम लिया। फिर इस कड़क की धूप में भी आदर्श युवा मंच के सभी पदाधिकारी व सभी सभासद अपना सहभाग और एक निष्ठा अपने साथ रखकर सामाजिक कार्य करते हैं। उन्होंने हर व्यक्ति के घर जाकर मास्क वितरित किए तथा सैनिटाइजर का कैसे उपयोग करें इसके बारे में भी जानकारी दी। मैं आदर्श युवा मंच गणेशपुर तरफे जिला प्रमुख पवन मस्के भंडारा। आज आम्ही मौजा दवडीपार बेला येथे प्रत्येक घरी जाऊ जाऊ एक कोरोना व्हायरस बद्दल एक मोहीम चालवली। त्याअंतर्गत सर्व लोकांनी आम्हाला सहकार्य केले। जास्तीत जास्त लोकांनी कलम 144 आम्ही सहकार्य करू आणि उद्याच्या दिवशी संपूर्ण गाव बंद राहील, घर बंद राहील, घरातच राहू असं आम्ही त्यांनी आम्हाला प्रॉमिस केलं आहे। गाववासींचा मी खूप खूप धन्यवाद करतो आणि सर्वांनी आम्हाला खूप खूप सहकार्य केलं त्यासाठी खूप धन्यवाद करतो। धन्यवाद। उसी के साथ साथ मौजा कोरंभी में भी आदर्श युवा मंच के अध्यक्ष पवन भाव मस्के तथा उनके कार्यकर्ताओं ने ग्रामवासियों को कोरोना के बारे में जानकारी देकर सावधानी व सतर्कता बरतने को कहा और मास्क व सैनिटाइजर के उपयोग के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर आदर्श युवा मंच भंडारा जिला प्रमुख पवन भाव मस्के, शहराध्यक्ष लुकेश जोत, शहर उपाध्यक्ष संजू मते, महासचिव मोनू बांते, संपर्क प्रमुख मोनार्ची शेंडे, कार्य प्रमुख चिराग गुरनुले, मुख्य प्रवर्तक पारस वैद्य, सर्कल प्रमुख विकी रामटेके, जतिन खापरे, कृष्णा मते, किरण कावड़े, साहिल रामटेके, दादू बड़वाई, सचिन साखरकर, रुद्र वैद्य, मयूर कुथे, मोहित मड़ामे, तेजस घोड़ीचोर, राज गोस्वामी, मन घोड़ीचोर आदि उपस्थित थे। नमस्कार, मैं जतिन खापरे, आदर्श युवा मन सर्कल प्रमुख। आज आम्ही दवडीपार मध्ये आलो आणि कोरोना व्हायरस बद्दल लोकांना माहिती दिली, तसंच आम्ही मास्क वाटप केलं, सोबतच सॅनिटायझरचा उपयोग कसं करायचं ते सांगितलं आणि इथल्या लोकांनी पण आम्हाला खूप सहयोग केला, त्याबद्दल धन्यवाद। नमस्कार। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज की रोजाना खबरों के लिए यूट्यूब चैनल, वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर लाइक, कमेंट और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और गूगल प्ले स्टोर से बीएस क्राइम इंडिया न्यूज ऐप को डाउनलोड कर रोजाना खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें।